हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी हम देखेंगे जो डीएनए है ये किस मटेरियल का बना है, इसका यूनिट क्या है, इसका जो बिल्डिंग मटेरियल है वो क्या है। यहां पर आपको याद रखना चाहिए जो डीएनए है इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ये न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप होती है। अगर आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी छोटे छोटे से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है डीएनए विच इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है ये एक्चुअली किन न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ये बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये समझना है कि जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फीचर्स को समझना है, तो हमें पहले समझना होगा अबाउट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन डिटेल्स। तो यहां पर मैंने ड्रॉ किया है एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। यहां पर आप देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजीनस बेस। हर न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजीनस बेस क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है एडिनिन, या ये हो सकता है गोनीन, या ये हो सकता है थाइमीन, या ये हो सकता है साइटोसिन। यहां पर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनमें यूरैसिल एब्सेंट होता है। इनके बारे में हम आगे चलकर देखेंगे। जो नाइट्रोजीनस बेस होता है ये अटैच्ड होता है टू दिस रिंग। दिस रिंग इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 5 carbons। दिस शुगर कंसिस्ट ऑफ 5 carbons, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर। और डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सी का मतलब है दैट एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन दिस शुगर। अगर आप राइबो शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे, नॉर्मल वाला जो राइबो शुगर है उसमें इस कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट होता है एक ऑक्सीजन एटम, लेकिन जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होता है उसमें ये ऑक्सीजन एब्सेंट होता है एट कार्बन नंबर 2। Absence of this oxygen at carbon number 2 makes this deoxyribonucleotide, hence DNA, very stable. So DNA is stable, why? Because the sugar present in the nucleotides of DNA lack oxygen at carbon number 2. Ye aapko yaad rakhna, this gives stability to DNA. Nitrogenous base is attached to carbon number 1 through the bond called as N-glycosidic bond. आपको याद रखना है द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर एक और चीज जो आपको याद रखनी है, नाउ दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द फॉस्फेट ग्रुप। दिस फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 5 ऑफ दिस शुगर थ्रू द बॉन्ड कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाउ दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, पी दैट इज फॉस्फोरस, ऑक्सीजन कार्बन। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सो फॉस्फेट इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 5 ऑफ दिस शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस शुगर मॉलिक्यूल। दीज थ्री कंपोनेंट्स टुगेदर मेक deoxyribonucleotide. Why deoxy? Again, I am repeating, because the sugar present in this nucleotide, it lacks oxygen at carbon number 2. ये आपको याद रखना है। एक कुछ चीज आपको याद रखनी है, कौन सा nitrogenous base absent होता है DNA में, आपको याद रखना है uracil. Uracil is absent in DNA. ये चीज भी DNA को स्टेबल बनाती है, absence of uracil. तो आपको याद रखना है, this is deoxyribonucleotide consisting of 3 components, nitrogenous base, sugar and phosphate. One more thing you have to remember about the phosphate is that this phosphate makes this nucleotide acidic. So DNA is acidic due to the presence of this phosphate. Aur DNA ka charge kya hota hai, aap yaad rakhiye, DNA ka charge negative hota hai due to this phosphate group. तो पहली बार ये किसने बोला था कि DNA जो है इसका नेचर एसिडिक है, ये आपको याद रखना है। पहली बार ये बोला था फ्रेडरिक फ्रेडरिक
फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार बोला था 1869 में दैट डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, आपको याद रखना है। सो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन विच इज नोन एज डीएनए। फोर टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए। वो फोर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड है, वो डिपेंड करते हैं कि यहां पर न्यूक्लियोटाइड में कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। इफ एडिनिन इज अटैच्ड टू दिस शुगर एट कार्बन नंबर वन वी कॉल्ड सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आपको याद रखना है। सो व्हाट इज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट इज अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड विच कंटेन्स एडिनिन नाइट्रोजनस बेस। अगर न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है गोनीन यहां पर, तो ऐसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को कहते हैं डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है थाइमिन यहां पर, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से अगर साइटोसिन प्रेजेंट है यहां पर इस न्यूक्लियोटाइड में, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच मेक डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स में सिर्फ आपको ये चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नाइट्रोजीनस बेसिस। ये हिटेरियोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन इन वन और मोर कॉर्नर्स। दिस प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वन और मोर कॉर्नर्स ऑफ दिस रिंग मेक्स दिस रिंग हिटेरियोसाइक्लिक। तो हिटेरियोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में क्या फर्क है, होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द रिंग, लेकिन हिटेरियोसाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन के अलावा कॉर्नर्स पर कोई और एटम होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे हिटेरियोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स जिनके कॉर्नर्स पर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे बेसिस को कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, को याद रखना है, ठीक है। ये बेस क्या होता है आपको याद रखना है, बेसिस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिक्रीज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन वाटर, ये आपको याद रखना है। सो इफ एनीथिंग डिक्रीजेस कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन वाटर इन सॉल्यूशन वी से सच सब्सटेंस एज बेस। सो नाइट्रोजनस बेसिस दे आर बेसिस, आपको याद रखना है, विच कंटेन नाइट्रोजन, दे आर साइक्लिक इन स्ट्रक्चर एंड दे आर हिटेरियोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन, आपको याद रखना है। नाउ नाइट्रोजनस बेसिस जो है इनके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज प्यूरिन्स एंड सेकेंड टाइप पायरिमिडीन्स। चलिए पढ़ते हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के बारे में। जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स अगर आप देखेंगे दे आर डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस, आपको याद रखना है, डबल रिंग, एक बड़ी रिंग होती है 6-membered रिंग और यहां पर आप देखिए 5-membered रिंग होती है। टोटल में आप देखिए दीज टू रिंग्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज 9-membered। क्यों 9-membered, बिकॉज दे हैव 9 कॉर्नर्स, अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स। नाउ जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स दो किस्म के होते हैं, वी हैव एडिनिन एंड देन वी हैव गोनिन। फर्क क्या है दोनों में, यहां पर देखेंगे एडिनिन में एक एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है एट कार्बन नंबर 4, बस आपको याद रखना है। और गोनिन में आप देखिए, गोनिन में दो चीजें आप देखेंगे जो कि इस रिंग्स के साथ अटैच्ड है, वन इज दिस एमाइन ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 2, ठीक, एंड देन वी हैव दिस ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 4। तो यहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा गोनिन में, लेकिन एडिनिन में ऑक्सीजन एब्सेंट है, और यहां पर एमाइन कार्बन नंबर 4 पर प्रेजेंट है, तो यहां पर एमाइन कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स एंड प्यूरिन्स आर द डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, हैविंग 9 कॉर्नर्स और वी कैन से दे आर 9-membered डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस।
Now let's talk about pyrimidines. Pyrimidines, nitrogenous bases होते हैं, which consist of single ring, और इस single ring में 6 members होते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, we have 6 members in this ring, starting from this nitrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if a nitrogenous base has a single ring, and this ring consists of 6 members, you can say that it is a pyrimidine base. Now this pyrimidine base is of 3 types, cytosine, thymine, uracil. Uracil के बारे में आपको याद रखना है, uracil is absent in DNA and it is present in RNA. और यहाँ पर thymine is absent in RNA and it is present in DNA. यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. साइटोसिन में कार्बन नंबर 4 पर प्रेजेंट होता है एमाइन ग्रुप और कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट होता है एक ऑक्सीजन एटम. ठीक है, यहां पर थाइमिन में आप देखेंगे कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होता है, कार्बन नंबर 4 पर ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होता है और कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है. इसी तरह से आप देखेंगे यूरेसिल में, यूरेसिल रिजेंबल करता है थाइमिन में. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चीज की डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है यूरेसिल में. ठीक है, ये आपको याद रखना है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थाइमिन एंड यूरेसिल. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विच वी कॉल्ड एज पाइरिमिडीन्स. Now let us talk about the sugar which is present in DNA and that is deoxyribose sugar. Let us talk about that. Now let us talk about this sugar. This sugar is called as a ribose sugar. Jo ribose sugar hota hai, aap yaad rakhiye, it is a type of pentose sugar. Pentose sugar. Pentose means 5. Pentose sugar. So pentose sugar aise sugars hote hain jinmein 5 carbon present hote hain. To agar aap yaad rakhenge to yahan par 5 carbons present hai. This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4 and this is carbon number 5. DNA mein aapko yaad rakhna hai ribose sugar present nahi hota hai, balki ribose sugar ka ek variant jise kehte hain deoxyribose sugar present hota hai. Deoxyribose sugar present होता है. What is this deoxyribose sugar? Deoxyribose sugar जो DNA में present होता है, उसमें carbon number 2 पर जो oxygen है, वो absent होता है. तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है? यहाँ पर this carbon is attached to this hydrogen only. So if we have a ribose sugar but it lacks oxygen at carbon number 2, then we call such type of ribose sugar as deoxyribose sugar. ये deoxyribose sugar जो है, यही present होता है DNA के nucleotides में. इसलिए DNA के nucleotides को कहते हैं deoxyribonucleotides. क्योंकि DNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उनमें जो राइबोस शुगर होता है उसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर. आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है. एब्सेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2 मेक्स देन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए वेरी स्टेबल. Very stable. So DNA is very stable. Why DNA is very stable as compared to RNA? Because the nucleotides of DNA, they lack this oxygen at carbon number 2 of their sugar molecules. Ye aapko yaad rakhna hai. Now let us talk about phosphate group. Phosphate group jo hai, it is present in every nucleotide of DNA. Pehli cheez aapko yaad rakhni hai. Dusri cheez aapko yaad rakhni hai that it consists of phosphorus, jo ki center mein hota hai, to which are attached 4 oxygen atoms. Theek hai. इन 4 ऑक्सीजन एटम्स में 3 जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो फॉस्फेट ग्रुप पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज. और डीएनए का क्या चार्ज होता है? डीएनए का भी नेगेटिव चार्ज होता है. इट इज ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स. इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो डीएनए है ये एसिडिक होता है. सो एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू the phosphate group. ये आपको याद रखना है. So this is about phosphate group which is attached to carbon number 5 of pentose sugar. DNA में कौन सा pentose sugar होता है? Deoxyribose sugar. ये आपको याद रखना है. हर deoxyribose sugar के carbon number 5 पर attached होता है phosphate group. इस phosphate group की वजह से DNA का charge negative होता है. इस phosphate group की वजह से DNA का nature कैसा होता है? Acidic nature. तो यहां पर हमने डिस्कस किया 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए. थोड़ा यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो यहां पर आप देखिए, दिस इज ए डीएनए मॉलिक्यूल एंड इट हैज 3 न्यूक्लियोटाइड्स. इट हैज 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच आर अटैच्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. Phosphodiester bond.
तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, ये वाला जो बॉन्ड होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फेट एंड दिस कार्बन नंबर 5 ऑफ दिस शुगर, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सो वन बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, बट हियर वी हैव टू फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स। एक और बॉन्ड देखिए, फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, दिस इज अनदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सो वी हैव वन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड देन वी हैव अनदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सो हियर वी हैव टू फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स, दीज टू फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दीज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स दे होल्ड टुगेदर टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हैं, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन आएगा द बॉन्ड विच होल्ड्स टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर इज कॉल्ड एज, आपको बोलना है इट इज कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को कौन से एंजाइम्स बनवाते हैं, उन एंजाइम्स का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। दीज एंजाइम्स lead to the formation of phosphodiester bonds. और इनको destroy कौन करते हैं, break कौन करते हैं bond? उनका नाम है nuclease. Nuclease are the enzymes which break these phosphodiester bonds. ये आपको याद रखना है। और यहां पर आप एक चीज देखोगे, जो ये स्ट्रैंड है डीएनए की, जो ये स्ट्रैंड है यहां पर सिर्फ मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट होते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल में। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट हैज टू एंड्स, इट हैज टू एंड्स। यहां पर इसका 5' एंड है और यहां पर है इसका 3' एंड। 5' एंड पर आप देखोगे कार्बन नंबर 5 पर प्रेजेंट होता है इसका फॉस्फेट ग्रुप विच इज फ्री, यानी जो किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच्ड नहीं है। और यहां पर देखेंगे आप एट 3' एंड वी हैव ए फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 3 ऑफ दिस शुगर। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन नंबर 5 ऑफ दिस शुगर और यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज फ्री एंड विच इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 3 of this sugar. So a DNA strand has two ends. We have 5' end, जहां पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा ग्रुप फ्री होता है, that is phosphate group, वहां पर फ्री होता है। और यहां पर आप देखिए और we have 3' end, दूसरे end को हम कहते हैं 3' end, जहां पर एक hydroxyl group फ्री होता है जो कि attached होता है at the carbon number 3 of this sugar. This is known as the polarity of DNA molecule. Polarity. This means DNA has two different ends. One end is called as 5' end and the other is called as the 3' end. Now if you see this phosphate sugar jo ye DNA ka part hota hai which consists of phosphate sugar ise kehte hain hum backbone of DNA. So backbone of DNA consists of phosphate and sugar components aur yahan se project hote hain outwards nitrogenous bases from each न्यूक्लियोटाइड। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।